हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। जब कभी भी आपने 10वीं पास करने के बाद 11वीं में प्रवेश लिया होगा, उससे पहले आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि आखिर 11वीं की क्लास में 11th क्लास में मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं, मैथमेटिक्स लूं, बायोलॉजी लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं या फिर कोई और अदर अवेलेबल सब्जेक्ट लूं। आपका सब्जेक्ट का सिलेक्शन काफी कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपना फ्यूचर किस फील्ड में बनाना चाहते हो। सपोज मोटा मोटी अगर आपने ये डिसाइड किया कि मैं आगे कैरियर अपना डॉक्टर बना के बनाना चाहूंगा, मुझे डॉक्टर बनना है, तो डेफिनेटली आप बायोलॉजी लोगे अपने सब्जेक्ट के रूप में। अगर आप इंजीनियरिंग या इससे रिलेटेड सब्जेक्ट में जाना चाहते हो तो आप मैथमेटिक्स लोगे। लेकिन अगर आपने बायोलॉजी लिया और अगर कभी फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ कि भगवान न करे आपका नीट क्लियर नहीं हो पाया और एमबीबीएस सेलेक्ट नहीं हो पाए, फिर आप फार्मेसी में आते हो। कई बच्चे फार्मेसी में भी अपना कैरियर बनाते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन तो ये उठता है कि चलो मैंने समझ में आ गया कि 12वीं में बायोलॉजी लिया, उसके बाद मैंने फार्मेसी किया, लेकिन अब फार्मेसी के बाद क्या, इसके बाद क्या का जो सवाल है वो बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि इसी से आपका पूरा का पूरा भविष्य लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा और आपका लाइफ बनेगा। लेकिन अगर आपको ये पहले से पता हो कि आपके पास ये ऑप्शन है, इनमें से आप चूज कर सकते हो, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फार्मेसी करते करते आप अपने इंटरेस्ट को, अपने नॉलेज को उसी टारगेटेड एरिया के आसपास लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आपको स्कोप के बारे में पता ही नहीं है, कैरियर के बारे में पता ही नहीं है और पूरी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 8th सेमेस्टर तक पढ़े जा रहे हो, 8th सेमेस्टर खत्म हो गया, अब आप अपने आप से पूछोगे कि मुझे क्या करना है, तब शायद आपके लिए काफी देर हो चुकी होगी। ऐसे सिचुएशन एनकाउंटर ना हो आपके साथ, इसलिए एक ऐसी किताब अभी हमारे हाथ में है जो कि आपको गाइड करेगी कि आखिर में फार्मास्यूटिकल में आप कहां-कहां किस-किस जगह अपना कैरियर बना सकते हैं। एक छोटी किताब है बट यूजफुल है, एक गाइडलाइन देगी, इसके गाइड लेकर के आप फर्दर दूसरे बुक्स का रेफरेंस ले सकते हैं या अपने कैरियर को उसके शेप में ढालने के लिए जितने भी लिटरेचर हैं या अदर सोर्स हैं उन पे डिपेंड हो सकते हैं। लेकिन बेसिक गाइडलाइन की कैरियर क्या क्या है वो तो आपको इस किताब से मिल जाएगा। तो आज मेरे हाथ में जो किताब है इसका टाइटल है फार्मास्यूटिकल कैरियर्स, और इसके जो राइटर हैं वो हैं नीलम सिंगला एंड जेपीएस कोहली, और इसे आपके लिए पब्लिश किया है फार्मामेड प्रेस ने, जो कि काफी सारी किताबें फार्मेसी के रेस्पेक्ट में पब्लिश करती हैं। तो ये किताब आपके लिए एक कंपेनियन की तरह काम करेगा जो आपको राह दिखाएगा कि आप इन फील्ड में जा सकते हो। और अगर आपका इंटरेस्ट प्रोडक्शन में है तो प्रोडक्शन केवल प्रोडक्शन नहीं होता, उसके अंदर भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, उनमें भी आप जा सकते हो। तो ये दिखते हैं कि इस बुक में क्या क्या खास बात है। सबसे पहले हम इसका इंडेक्स देखते हैं, लेकिन पूरा इंडेक्स नहीं, कुछ बेसिक पॉइंट हम यहाँ पे कवर करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका परचेसिंग लिंक, इसका सैंपल चैप्टर भी अवेलेबल होगा, और याद रखिए ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, केवल आपकी सुविधा के लिए है। तो यहाँ पे अगर आप कंटेंट के बारे में देखें तो सबसे पहले तो है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल साइंसेज, कि इसका इवोल्यूशन कब हुआ, किस जगह से कैसी शुरुआत हुई, इनके बारे में आपको ब्रीफिंग मिलेगी। इसके बाद है फार्मास्यूटिकल कैरियर, कि आप अपना कैरियर कहां कहां बना सकते हो। इसके अंदर अगर आप देखो तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई मैन्युफैक्चरिंग जो उसके सब सेक्शन है प्रोडक्शन के अंदर, जैसा मैंने कहा वो सब यहां पे इंक्लूड होंगे, मार्केटिंग एंड सेल्स, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन कैरियर में आप आ सकते हैं। इन सब के अंदर बहुत सारे और सब कैरियर के अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि इसमें इनलिस्टेड हैं, जो कि आप यहां से देख सकते हो। तो ये उसके इंडेक्स हो गए। अगर हम बात करें पहले बुकमार्क की, तो इसमें है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल साइंसेस। क्या फार्मास्यूटिकल साइंसेस आज का इवोल्यूशन है, क्या इससे पहले इसका कोई इतिहास नहीं रहा, तो ऐसा है ही नहीं। जिस चीज का संबंध आपके स्वास्थ्य के साथ है, हेल्थ के साथ है, ये तो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भले चला आ रहा हो, अलग अलग सिस्टम से भले चला आ रहा हो, लेकिन पर्पस तो बिल्कुल यही है कि एक ह्यूमन बीइंग के होने वाले प्रॉब्लम्स को, डिजीज को, डिसऑर्डर को मिनिमाइज किया जाए और व्यक्ति को हेल्थ वापस से प्रोवाइड किया जाए। तो इसके ऊपर कई सारे हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर के ग्रीक, रोमन, इंडियन, सब जगह इसका कहीं ना किसी तरीके से इवैल्यूएशन है। इंडिया में भी देखेंगे तो आपको अलग अलग संहिता के रूप में दिखेगा, जिसके पांडुलिपिज आप यहां पे देख सकते हैं। तो ये इंडिया से, चीन से, वर्ल्ड से, यूनान से, हर जगह से आया हुआ है। तो यहां पे किस किस समय में किस किस तरह की बेसिक चीजें डेवलप हुई, इवोल्यूशन होता गया, वो यहां पे आपको एनलिस्ट किया गया है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। इसके बाद अगर हम आगे बुकमार्क पर चले तो कैरियर आपका कहां कहां बना सकते हो वो यहां पे
शुरुआत होती है। पहले बुकमार्क के बाद जो दूसरा बुकमार्क है हमारा, उसमें लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल कैरियर्स, यानी कि आप अपना भविष्य किस किस जगह बना सकते हो। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तो जनरली इंडक्शन प्रोग्राम में आपको ब्रीफिंग किया जा सकता है कि आप मार्केटिंग कर सकते हो, मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, MR बन सकते हो, टीचिंग में आ सकते हो, आप प्रोडक्शन में जा सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हो, रेलवे फार्मासिस्ट बन सकते हो, अलग अलग सेक्टर में फार्मासिस्ट बन सकते हो। ऐसे छोटा मोटा आपको बहुत सारे स्कोप के बारे में बताए जाते हैं, बट वो स्कोप फुल एंड फाइनल नहीं होता, वो कुछ एक स्टेप ही होते हैं आपके करियर के आगे बढ़ने के लिए। पूरे स्टेप यहां पे आपको बताए गए हैं कि आप क्या क्या प्रोडक्शन में जा सकते हो। प्रोडक्शन में भी अलग अलग सेक्शन है, वहां पर जा सकते हो, प्लांट सोर्स से ड्रग का कलेक्शन कर सकते हो, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, वो पूरी जानकारी आपको होगी जो प्रोडक्शन में आप अच्छे से काम कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपके लिए है करियर के गाइडलाइन के रूप में, एक ब्रीफिंग करने के लिए है कि भाई आप अपना करियर किस तरह बना सकते हो। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग भी एक पार्ट है। जब हम लोग अपने बी फार्मेसी में ट्रेनिंग के लिए गए थे, एक महीने की ट्रेनिंग में जब हम हरिद्वार गए, वहां पर अलग अलग सेक्शन में देखे, तो हमें पता चला कि इंडस्ट्री में ऐसे भी सेक्शन होता है। हमको तो बस यही लगता था कि प्रोडक्शन है, टेबलेट कैप्सूल इंजेक्शन ऑइंटमेंट जो भी बनाना होता है वो बन जाता है, सीधा भेज दिया जाता है। हमें ये नहीं पता था कि क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, पैकेजिंग, आपका इंजीनियरिंग, उसके बाद अलग अलग सेक्शन, इवेल्युएशन के लिए, सब चीजों के लिए अलग अलग सेक्शन है। ये जानकर के काफी अच्छा लगा और उस विजिट ने हमारे नॉलेज को ओपन किया कि हम इन चीजों के बारे में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग भी एक सेक्शन है जहां पर जो मशीनरीज हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि वो कैसे काम करती हैं, कैसे उनको ऑपरेट सही तरीके से किया जाए, कोई माइनर मेजर प्रॉब्लम आए तो कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है मार्केटिंग एंड सेल्स का। भाई कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट अगर बना रही है तो अल्टीमेटली मोटिव उसका यह है कि उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया जाए, जितने भी कॉम्पिटिटर उसके मार्केट में रखे हुए हैं उनसे वो आगे निकल सके। उसके लिए जरूरी है कि प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी तो हो ही हो, लेकिन कम्युनिकेशन के साथ साथ उसका स्प्रेडिंग भी अच्छा हो। सपोज मेरे पॉकेट में एक हीरा रखा हुआ है, लेकिन मेरे पॉकेट के अंदर ही रखा हुआ है, मैं उसको बाहर नहीं निकाल रहा, या उसको मैं अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, किसी डब्बे में भर के रख दिया हुआ है, गंदा सा टूटा सा मैला सा डब्बा उसके अंदर मैंने ये भर दिया है, तो कौन देखेगा और कौन परचेस करेगा? हालांकि है उसके अंदर हीरा, लेकिन अगर मैंने उसके अंदर कोई भी टुकड़ा पत्थर का रख दिया और पैकेजिंग उसकी इतनी अट्रैक्टिव कर दी कि चार लोग देख के जाए बोले वाह क्या पैकेजिंग है, शायद इसके अंदर कुछ खास बात होगा, तो वो दोनों सरासर चीजें गलत हो सकती हैं। तो जब कभी भी आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हो तो जरूरी है कि उन चीजों को सही तरीके से मार्केट में इंडोर्स किया जाए। वो काम करता है आपका सेल्स डिपार्टमेंट। तो सेल्स डिपार्टमेंट में भी अलग अलग सेक्शन है, मैं उन सबके बारे में नहीं जा रहा, कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है, कैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, कैसे सेल्स के लिए और बूस्ट करना है, उन सब के बारे में आपको ब्रीफिंग मिल जाएगी। अगले बुकमार्क पर अगर आप जाएंगे तो यहां पर क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल है, और एक जबरदस्त फील्ड है जो कि आज के डेट में इमर्जिंग निकल करके आ रहा है, वो है फार्मेको विजिलेंस, यानी कि फोरकास्ट करना कि इस दवाई का क्या असर हो सकता है और कैसे उसके गलत असर को मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर आप कोई दवाई लेते हैं और दवाई लेने से आपको कोई प्रॉब्लम होती है जो कि डेफिनेटली अनडिजायरेबल इफेक्ट होगा, तो उसको रिपोर्ट करना, ऐसे कई लोग अगर रिपोर्ट करेंगे तो कम्युलेटिव इंफॉर्मेशन को फर्दर कनेक्ट करना ताकि उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन हो सके कि इस ड्रग का जो अनवांटेड इफेक्ट है उसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा अनवांटेड इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर स्टडी होगी और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। आगे अगर आप देखें तो एकेडमिक्स की बात करते हैं, एकेडमिक्स तो मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैंने कभी प्रोडक्शन और बाकी चीजों को छोड़ करके अपना जो सेट गोल किया वो एकेडमिक में ही किया, एडुकेशन में ही किया। तो यहां पे एडुकेशन में आप क्या क्या कर सकते हो, बी फॉर्म, डी फॉर्म, एम फॉर्म में भी अलग अलग ब्रांचेस, तो उसकी पूरी लिस्ट यहां पे आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम आगे चलें इसी एडुकेशन को आगे बढ़ाते हुए, तो एडुकेशन में कैरियर बनाने के लिए आपको किन किन बेसिक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो यहां पे आपको आ जाएगी। एडुकेशन का मतलब केवल कॉलेज में पढ़ाना ये नहीं होता है, आपके कई अलग अलग एस्पेक्ट हैं। इंडस्ट्री में भी एजुकेशन होता है, मार्केटिंग के लिए जो सेल्स मैनेजर होते हैं वो भी उनकी एक टीम बना के रखते हैं ताकि कम्युनिकेशन स्किल कैसे प्रॉपर वो बताया जाता है। हर एक डिपार्टमेंट में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आपको सिखाता है, और वहां भी आप अपना कैरियर एज ए एडुकेटर बना सकते हैं। और जिस प्लेटफॉर्म पे आप हमें देख
देख रहे हैं वो भी आज के डेट में इमर्जिंग प्लेटफॉर्म है, ताकि हम इस ऑनलाइन के थ्रू बाकी बच्चों को एडुकेट कर सके। आगे अगर हम आगे चले तो एक है आपका मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कुछ कुछ खास हाइलाइट है वो डिस्कस कर लेते हैं। बी फॉर्म एम फॉर्म बस यही ऑप्शन हुआ करते थे, नहीं अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर एम फॉर्म नहीं करना चाहते तो आप हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि यहां पे दोनों चीजें साथ में आ रही हैं, मैनेजमेंट भी आ जा रहा है और आपका फार्मा यानी कि हॉस्पिटल भी आ जा रहा है, तो एक ही चीज में दोनों चीजें कवर होंगी तो डेफिनेटली आपका स्कोप जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको भी आप देख करके अपना जो माइंडसेट है इसके रिगार्डिंग कर सकते हो। लास्ट पेज में आपको मिलेगा कुछ ऐसे कॉलेज के लिए जो इनके अकॉर्डिंग राइटर के अकॉर्डिंगली टॉप 50 कॉलेज में इंक्लूड होते हैं इंडिया के अंदर, तो यहां पे आप उनका डिटेल किस किस पॉइंट पे देख सकते हो, इंस्टीट्यूट का नाम देख सकते हो, उनके जो एड्रेस है वो देख सकते हो, उनका कॉन्टेक्ट नंबर वेबसाइट देख सकते हो, उनमें कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है वो देख सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस कैसा है उनका इंडिविजुअली वो भी आप इसमें देख सकते हो। तो ये एक ऐसी किताब है जिसको आपको बी फार्मेसी में एडमिशन लेते ही परचेस कर लेना चाहिए, और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं और ये किताब देख रहे हैं, या फिर अगर आप 12वीं के बाद फार्मेसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं और उसके रिस्पेक्ट में आपने कैरियर इन फार्मेसी का टॉपिक सर्च किया यूट्यूब पे, तो ये आपको अमेज़न में मिल जाएगा, वहां से आप मंगा लो। आपका पूरा जो सर्च है, रिसर्च है, इन्वेस्टिगेशन है, इस बुक से काफी कुछ सॉल्व हो जाएगा। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के या स्कोप पे करियर के ऊपर आपका मन आ गया तो उसको फिर आप इलेबोरेट करने के लिए दूसरी किताबें या फिर वेबसाइट की सहायता ले सकते हो। तो आज के बुक रिव्यू के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।